पूज्य संत महाराज जी के जहाँ भी चरण पड़ते हैं वो स्थान और स्थल रमणीय हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आज महाराज जी से बातचीत करने से पहले उस स्थान को दिखाते हैं जो बगीचा ऐसा लग रहा है जैसे हमारे राम जी का बगीचा है, हमारे ठाकुर जी का बगीचा है, हमारे कन्हैया का बगीचा है, राधा रानी का बगीचा है। प्यारे प्यारे पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, यही पुष्प हमारे संत महाराज जी राधा रानी और ठाकुर जी पर अर्पित करते हैं भाव से, समर्पण से। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हरियाली है, यानी वन है। तो आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं कि महाराज जी कहाँ किस स्थान पर आ रहे हैं और इस रमणीय स्थल पर कैसे पहुँचे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। मैं देख रहा हूँ पैदल यात्रा, नंगे पाँव जो है आप करते आ रहे हैं, किस स्थान से आप पहुँचे हैं महाराज जी? पढ़ल लिखल तो है नहीं भगवान जी। हाँ जी, क्या हम कहें जी, नाम क्या है महाराज जी? हमारे माधोदास। माधोदास स्थान कहाँ है महाराज? चित्रकूट में जी। हाँ, यहाँ तो ये जो स्थान है, ये जो कुटिया है, यहाँ तो थोड़ा ठीक है मौसम, लेकिन अभी मैं देख रहा था पैदल ही आ रहे हैं सड़क पर और कड़ी धूप है। तो जान जाइए भगवान की चलते फिरते मिल जाए से बहुत उत्तम है जी। अब जानिए कि केवलो हमनी में अंतर नहीं है, भगवान कहाँ मिल जाएंगे कहीं पता नहीं, पता नहीं है किस रूप में, किस भेष में, किसी भेष में, किसी रूप में। जब संत मिल गए तो जानिए कि हमारा विश्वास हो गया कि भगवान मिलना, मिलना मिल गए जी। हाँ, तो आप भी तो संत भगवान हैं। संत भगवान में मिलेंगे जी, संत नहीं रहे तो संसार नहीं रहता है। संत ना रहें संसार भी नहीं रहेंगे जी, देश रहबे नहीं करेगा जी। संत पर टिका हुआ है जी, जो जितना सेवा करने के लिए मौका मिले जी तो उसको सेवा करिए, सेवे से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। आपको सेवे करने से हर एक चीज लक्ष्मी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, आपको का दे देंगे कोई पता नहीं, लेकिन सेवा जरूरी है, जरूरी है। जितना अपना जीवना चीज से जरूरी है कि हमारा साधन कहीं से मिले, कहीं से केवनो चीज मिल जाए, वो संत को केवनो चीज छाया दे दें। अच्छा, रोए रोए उनका रोए रोए आपको भक्ति मिल जाएगा, केवनो चीज के दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा जी। अगर पूज्य संत महाराज जी कहीं दिख जाएं तो उनको छाया दे दें, जल दे दें, प्रसाद दे दें, तो वो पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा मिल जी। अभी इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे थे, मैंने आपसे कहा भी कि महाराज जी चारपाई पे बैठ जाइए, तो आपने कहा कि बंधन है। ये कैसा बंधन है? ये बंधन है संत के, संत सब कोई नहीं बैठते हैं जी। हाँ, ये समझ जाइए कि सब कोई के मालूम नहीं है जी। भगवान स्वयं हुए है जी, बंधन पर नहीं बैठे देंगे कि केवनो चीज प्राप्त नहीं होगा जी। बंधन के चीज पर केवनो चीज आप चाहेंगे कि हो जाए, नहीं होगा जी। हाँ, बंधन पर कोई चीज प्राप्त नहीं होगा, होगा। हाँ, उसके लिए अपन साधन दूसर भले भूया बैठा करके आसन ले लीजिए, वो पर आपको हर एक चीज धरती माई दे देंगे जी। तो ये चारपाई जो बंधन है वो बांध लेती है, वो छोड़ती नहीं, नहीं है, तो इससे संत महाराज जी लोग दूर रहते हैं। हाँ, ये समझ। तो कहाँ पर विश्राम करते हैं, कैसे विश्राम करते हैं? इसी पर धरती मैया पर। हाँ, धरती मैया पर विश्राम करते हैं, आसन ला गया अपना, लेट गए, लेट गए। तो जीव जंतु और सांप बिच्छू का डर नहीं? कुछ नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। चाहे जंगल हो, जंगल हो, चाहे कुछ भी हो, वो राम जी संत खातिर विश्वास, एक प्रभु जी है, राधा रानी है जी। राधा रानी के छुड़ा के केवनो चीज हमनी के नहीं है, समझिए कि हम उहे है जी। सब कुछ ले जी। काम करते हैं तो उहे करते हैं, राधा रानी करते जी। मतलब हवा, पानी, जल, वातावरण, प्रकृति, सब कुछ राधा रानी उनके हले है।
महाराज जी, इतनी लंबी यात्रा होती है, प्रसाद कैसे ग्रहण करते, क्या क्या लेते प्रसाद में? सफर में तो कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, जलिक ले पूरा चौपे के नहीं, चलिए कुछ वो नहीं लेंगे, कुछ नहीं, फलहार भी कुछ नहीं लेते, फलहार भी नहीं लेते, लेते हैं रास्ते में, रास्ते सफर में कहीं फलहार भी नहीं लेंगे, नहीं लेते जी जी। और भोजन में क्या लेते हैं? भोजन कुछ नहीं, फलहारे लेंगे तो लेंगे। अच्छा, लेते फलहार है, फलहारे लेकिन कहीं आश्रम कहीं स्थान पर रुक कर? हाँ, रुकेंगे तबे लेंगे। अच्छा, तो भोजन कब से त्याग दिया? वही घर से त्याग दिया है। अच्छा, कई वर्ष हो गए होंगे? हो गया करीब करीब 10 वर्ष हो गए कि 10-12 वर्ष? तब का ये है भाई। अरे 10-12 वर्ष हो गए तब से प्रसाद लेना छोड़ दिया, तो कैसे इतना लंबा सफर होता है, जगह जगह स्थान पर जाने होते हैं, तो कैसे फिर जो है सब व्यवस्था हो जाता है? भगवान की उन्हें परेशानी दिक्कत नहीं होता है, भगवान इतना दयालु है। अच्छा, कि आपको भूखे नहीं रहेंगे, विश्वास करिए, विश्वास पर सब कुछ है, विश्वास नहीं तो हमने के केवनो चीज खान पियान भी कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ठाकुर जी इतने दयालु हैं, करुणा निधान हैं कि वो अपने भक्तों को कभी भूखा सोने नहीं देते, तो फल की जहाँ व्यवस्था होती वहीं फल ग्रहण करते करते हैं जी। 12 वर्ष से लगातार जो है, देखिए हम लोग जो है खाने के लिए कितने सारे खर्च करते, कभी कभी हम लोग जो है होटलों में चले जाते हैं, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी करते हैं। महाराज जी सहज सरल रूप में बस फल लेते हैं और ज़्यादा खाने पीने की लालसा नहीं रहती है। कितना दिन रह जाते हैं राम जी ऐसा? अच्छा, ये समझ आशा, एक राम जी दूजी आशा छोड़ दो, है ना? हाँ जी जी, तो राम जी में जो आशा लगा दी तो फिर सब आशा छोड़ दो। हाँ, तुम कम जोड़ जोड़ है नू, बिना जोड़ेंगे तली के ले कैसे हो? हाँ हाँ जी, सब कुछ त्याग कर दिए जी, आई इनका पर इनको के थोड़ा देर छोड़ दिए जी, तोड़ करके फिर जोड़े, तब हमारा सब कुछ भगवान से मिल जाता है जी। हाँ, इनका से तोड़ना पड़ता है, उनका के कुछ वो नहीं जाना पड़ता है, कहते हैं कि हम भगवान हम आपके लिए हमने के कुछ वो नहीं है, आप लायक है ना, पढ़ल लिखल है ना, आके है ना, गुड़ है ना, कुछ है, हमारा चले ही नहीं आता है, तो क्या बात जी। इतनी सारी दुनिया घूम ली है, चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान, और आप अपने को कह रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, जो दर्शन ज्ञान हम सबको दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मूल है। PhD किए हुए लोग भी, बड़े पढ़े लिखे लोग भी वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे जो ज्ञान आप पढ़ाई है, तो यही पर लिख दिए हैं कि हमारा ये घर है जी, असली चीज भीतर है। अच्छा, तो वो कर्म करेगा जी, तबे उससे भेंट होगा, चाहे मिलन होगा, चाहे लिखाई पढ़ाई जो कुछ जोड़ेंगे तेवन चीज मिलेगा जी, नहीं तो मिलेगा नहीं जी। कर्म जरूरी है जी, तो ये घर रूपी शरीर में राधा रानी का वास हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तभी वैसे नहीं मिलेगा जी। बहुत सारे सतयुगी सत विचार करके कौन चीज लेंगे तो आपको एकदम स्वयं मिलेगा जी, सत्य की चीज मिलेगा जी, मतलब सत्य विचार करे तो सतयुग प्रकट हो जाएगा, हो जाएगा राम जी, वो अपने विचारों में है, सबके में ढूक जाएंगे, जितना टिप करेंगे जी उतना भगवान दे देंगे कि मन भगवान के मन लुभाते हैं जी। हर एक जी दुनिया संसार में वहाँ के उज्जियल जियते नहीं है, दुनिया को देख करके जी कहते हैं कि हम जिंदा नहीं रहते हैं, जब जिंदा रहती तो दुनिया के देख लेती जी, है देख जी। शरीर पर मैं देख रहा हूँ बहुत कम वस्त्र हैं आपके, और चेहरे पर लेकिन प्रसन्नता अपरंपार है जी, तो प्रभु जी की कृपा है कि आप लोग के जी, उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि हमने के मिलन प्रसन्न होकर के मिलन हो गया, ये अच्छा ये मिलन हाँ, हो गया मिलन, ये स्वयं राधा रानी की कृपा है, वाह, उहे मिलन करते हैं ये कुल जी।
देखिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ महाराज जी का दर्शन करके और महाराज जी की वाणी, महाराज जी का बहुत निर्मल भाव पाकर मैं आत्म मुग्ध हूँ और एकदम से गदगद हूँ। और महाराज जी कितने भाव से कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। ये संत की महानता होती है, पूज्य संत जो होते हैं सहज और सरल हृदय के होते हैं, उनकी वाणी में ऐसे ही भाव झलकता है जैसा आपकी वाणी। धरती माई रो रहे हैं जी कि हमारा लायक जी कोई नहीं है जी, लायक एक जन्म ले देता जी तो बहुत प्रसन्न हो जाता कि हमरा के देखते रहे। अरे वाह जी, कुल हम ही है जी कि हम ये धरती पर केवल ऐसा बीज नहीं है कि हमारा पर धरती पर जन्म ले लेता है। अच्छा, हर बीज धरती पर जन्म ले लेता है, बिना धरती के जन्म कोई नहीं लेता, कोई बीज नहीं लेता लेता है जी। बकरा वो प्रसन्न रहते हैं कि वो इस लायक हो जाएंगे जी, मिल जाएंगे और उसको उसको पालन करे लगेंगे से जान जाएंगे तो हर एक चीज के दुनिया संसार के मालूम हो जाएंगे जी, नहीं तो दुनिया संसार के मालूम नहीं होगा जी। संत महाराज जी से सीखने की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत कम में, बहुत ही न्यूनतम में वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ और आपके वस्त्र, आपका जो अचला, बस यही आपका थोड़ा सामान है और उसी में आप प्रसन्न हैं। कहते हैं भगवान राधा रानी कि हम वस्त्र पर नहीं जाते हैं जी, भीतर के आत्मा पसंद आत्मा प्रसन्न हो गए तो हम समूचे का दे देंगे, कोई कोई पता नहीं पता। अच्छा नहीं। अगर हमारा वस्त्र बहुत अच्छा है और हम किसी का सम्मान ना करें, हम अच्छे से भक्ति ना करें तो वस्त्र की क्या कीमत? वह प्रसन्न नहीं करेंगे, भगवान ही आपको नहीं प्रसन्न करेंगे तो हम क्या करेंगे जी। जब हमारे प्रसन्न भगवान के हो जाएंगे तो दुनिया के बैठा करके आप फोटो ले लेंगे जी, दुनिया के फोटो उनका पास में हर एक चीज है, उनके पास सब कुछ है। बकरा प्रसन्न जी, जो हमारे भगत दुनिया संसार प्रसन्न हो गया जी, तो हम ऑटोमेटिक अपने मने फोटो ले लेंगे जी और प्रसन्न हो जाएंगे जी। महाराज जी इतनी दूर यात्रा करते हैं, कैसे प्रसाद होता है, कैसे विश्राम होता है, चित्रकूट से गोवर्धन तक, वृंदावन बरसाना तक पहुँचाए, सब कुछ तो वह की व्यवस्था है, उन्हीं पे आस्था है। हाँ, उन्हीं की व्यवस्था है जी। आप लेखा भेटा गए है भक्त जी, तो आप में तो है जी, तो सब व्यवस्था कर देंगे। अच्छा जी जी, आप ही भगवान है जी जी, ये सब मान जाइए, ये तो नहीं महाराज जी, मैं तो साधारण सा इंसान हूं। वो तो आखिर तो कर्म है जी, ये कर्म में लागे हुए है जी, ये कर्म से जो कुछ चाहेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे भगवान जी जी, और प्रसन्न से आपको सब कुछ व्यवस्था करके पालन करे लगेंगे जी। पूज्य महाराज जी बातों बातों में बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कर्म प्रधान ये देश है और कर्म अच्छे करिए तो आपको सबकी प्राप्ति हो जाएगी। आप चाहे ठाकुर जी की भक्ति में, चाहे राधा रानी की भक्ति में, चाहे हमारे राघव सरकार की भक्ति में, जो भी जहाँ पर भी आप लीन होना चाहते हैं वो लीन हो जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करें। तो ये श्रेष्ठ कर्म गृहस्थ में है तो परोपकार सेवा करें, संत में है तो भक्ति करें। विश्वास कर्म नहीं रहेंगे तो हम कहाँ खोजेंगे? कर्म और विश्वास चाहिए, खोजत खोजत थक जाएंगे तब नहीं मिलेंगे, अक्षर से अक्षर मिलाएंगे तब अक्षरिया बतलाएंगे नहीं। जलिक ले प्रेम अक्षर प्रसन्न नहीं होगा, जोड़ेंगे नहीं, तोड़ करके जोड़ना पड़ता है, जोड़ेंगे तभी हमको भगवान से दर्शन होता है जी। बहुत आपकी एक एक प्रसन्नता मुझे लग रहा है सूरदास बाबा जी की तरह है कि जैसे कन्हैया जब बाल स्वरूप में सूरदास बाबा जी को देखते थे, कहीं कुएं में, कहीं तालाब में, कहीं गिरने को होते थे तो कन्हैया उनका हाथ थाम लेते थे और सूरदास बाबा मुस्कुराते थे, कान्हा तू आ गया मुझे बचाने के लिए। उसी तरह से आपके चेहरे की मुस्कान है, एकदम भाव भक्ति का रस जो भरा हुआ है, हमें लग रहा है कि जैसे सूरदास बाबा की मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान, वही मुस्कान है। हमारे भारत के संत महात्मा पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं, पूरे विश्व को सीख देते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में किन बातों को समाहित करना चाहिए, उनको बताने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं।
केवल साधारण से देखिए आ रहे थे महाराज जी, मिलन हुआ, चेहरे पे भाव आया, प्रसन्नता आई। इतनी प्रसन्नता शायद और कहीं मिलते तो नहीं आती जितनी पूज्य महाराज जी के दर्शन से आ रही है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो जब हम नापते हैं, देखते हैं तो भगवत प्राप्ति देखते हैं। हम पूज्य संत महाराज जी के शरण में जाने की कोशिश प्रयास करते हैं। तो आप बालपन से, आप यौवनपन से संतों की पूजा करिए, भक्ति और भाव करिए, तो आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तो बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, और गौरवमय पूर्ण होता है हमारी सनातन संस्कृति पे, हमारे पूज्य संत महाराज जी पे। आप सब सनातनियों से मेरा आग्रह है, मेरा करवद्ध निवेदन है, बहुत बहुत निवेदन है कि महाराज जी के चरणों में आप सब भी दंडवत करिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूज्य ऐसे संत महाराज जी को बार बार जो है दंडवत करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ सनातन की चीज़ों पर हम सब बहुत लेट में विश्वास करते हैं, बहुत देरी में जागते हैं, और ऐसे पूज्य संत महाराज जी को नमन वंदन करने में भी हम हिचकिचाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, फिर हाथ जोड़कर मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और पूज्य महाराज जी के चरणों में जरूर वंदन करिए, जरूर वंदन करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे हमारे सनातनी कम से कम रास्ते पर आ जाएं, जो भटके हुए हैं, जो इधर उधर चल रहे हैं, वो रास्ते पर आ जाएं, और हम सब भारतवर्ष जैसे विश्वगुरु था उसी तरह से पुनः स्थापित हो जाए।